जय श्री कृष्ण। मेरा नाम अंकित अग्रवाल है और मैं स्टाइल फॉर श्योर का ओनर हूँ। हमारी कंपनी 2015 से स्टाइल फॉर श्योर के नाम से ऑनलाइन बिजनेस कर रही है, लेकिन 3 साल ऑनलाइन बिजनेस करने के बाद में हमने ये चीज रियलाइज की कि काम तो बहुत लोग करना चाहते हैं, बहुत लोग हैं जो ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या तो उनके पास में प्रॉपर टेक्नोलॉजी, कोई वेबसाइट, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर वो कहीं से बनवाने का सोचते भी हैं तो उसके अंदर 50-60 हज़ार या 1-2 लाख रुपए नॉर्मली लग जाते हैं। अगर मान लो वो कहीं से सस्ते में वेबसाइट बनवा भी ले तो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उनके पास में प्रोडक्ट्स नहीं है जो कि वो ऑनलाइन बेच सके। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हमने इस बिजनेस मॉडल को 2018 में लॉन्च किया था। अभी तक लगभग पूरे देश से 1400 के आसपास लोग हमारे साथ में इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं। अब उसके अंदर हाउसवाइफ भी हैं, बिजनेस करने वाले लोग हैं वो भी हैं, अगर कोई स्टूडेंट है तो वो लोग भी हैं। इसका मतलब ये बिजनेस उन सभी के लिए है, चाहे वो कोई भी हो। अगर आप हाउसवाइफ हैं, बिजनेस हैं, बिजनेसमैन हैं, अगर आप कोई पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, आप स्टडीज कर रहे हैं और स्टडीज के साथ में आप कुछ साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो किसी भी सिचुएशन में किसी भी तरह के लोगों के लिए ये बिजनेस करना बहुत आसान है। देखिए, इस बिजनेस के अंदर बेनिफिट्स क्या है कि आपको 1 रुपए का भी सामान कुछ खरीद कर रखने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं आना जाना नहीं पड़ता। आप और आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स बहुत आसानी से मिल करके इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी और की हेल्प चाहिए ताकि बिजनेस को ग्रो कर सके, तो उसमें भी आपको बहुत इजीली ये सब चीजें ऑपरेट करने में हेल्प मिल जाती है और बहुत आसानी से आपका काम हो सकता है। अब देखिए, बिजनेस मॉडल क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। हमारी कंपनी सूरत गुजरात से रजिस्टर्ड है। अगर आपको पता हो तो सूरत के अंदर कपड़ों का काम सबसे ज्यादा होता है। अगर हम लोग बात करें तो पूरे देश दुनिया के अंदर आज भी 70% से ज्यादा कपड़ा सिर्फ और सिर्फ सूरत से बन के जाता है। अब अगर हम लोग थोड़ी सी ऑनलाइन बिजनेस की स्कोप की बात करें तो ऑनलाइन बिजनेस आज के समय में ट्रेंडिंग है। शायद ही ऐसा कोई घर हो जिसके अंदर ऑनलाइन लोग शॉपिंग नहीं करते हो, कोई सामान नहीं खरीदते हो। अगर एक डेटा की बात करें तो US और चाइना जैसी कंट्रीज के अंदर लगभग 50-60% लोग हैं जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। मतलब टोटल रिटेल बिजनेस का 50-60% ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा होता है। लेकिन वहीं अगर हम लोग इसको इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया के अंदर ये रेशियो सिर्फ 5-7% के आसपास ही है। 2030 तक गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से ऑनलाइन बिजनेस का जो टोटल मैं कहूँ वैल्यूएशन है वो $30 बिलियन क्रॉस कर जाएगा। मतलब ऑनलाइन बिजनेस के अंदर बहुत स्कोप भी है और प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है। अब इसके अंदर हम आपको किस तरीके से बिजनेस दे रहे हैं वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए, बहुत सिंपल तरीका है। बिजनेस के अंदर आप क्या होता है कि आप एक जगह से सस्ते में सामान खरीदते हो, उसके लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हो, उसके ऊपर अपना कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हो और फिर कस्टमर को बेच देते हो। लेकिन इसके अंदर आपको समय भी लगाना पड़ता है और पैसा भी अच्छा इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट अगर कस्टमर देखेगा तो वो दोबारा नहीं आएगा, उसको दोबारा नया कलेक्शन चाहिए। मतलब दोबारा आपको कुछ स्टॉक खरीदना पड़ता है। लेकिन हमारे साथ जो ऑनलाइन बिजनेस है उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, आपको एक ऑनलाइन वेबसाइट मतलब एक ऑनलाइन दुकान खोल करके देंगे और जो भी प्रोडक्ट हमारे पास में अवेलेबल है कपड़ों के, सूरत के, जैसे कि साड़ी, कुर्ती, गाउन, लहंगा, ड्रेस मटेरियल, इस तरह के सभी प्रोडक्ट हम लोग आपकी वेबसाइट पे खुद ही लिस्टिंग करेंगे। मतलब लिस्टिंग आपको नहीं करनी और इसके अंदर आपका प्रॉफिट मार्जिन हम लोग पहले से ही इंक्लूड कर देंगे। मान लीजिए मेरे पास एक साड़ी है जिसकी होलसेल में सपोज 500 रुपए की प्राइस है। अब आप चाहते हैं कि आप उसके अंदर 50% का प्रॉफिट कमाएं, तो हम क्या करेंगे, उस साड़ी को आपकी वेबसाइट पे 50% मतलब 250 रुपए ऐड करके 750 रुपए में आपकी वेबसाइट में लिस्टिंग कर देंगे। अब जब भी कोई आपका कस्टमर उस साड़ी को खरीदेगा तो कस्टमर आपको 750 रुपए पेमेंट करेगा, उसमें से जो 250 रुपए आपका प्रॉफिट हुआ है वो आप अपने पास में रख लोगे और जो 500 रुपए हमारी प्रोडक्ट की कीमत है वो आप हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करोगे और हम सीधा आपके नाम से आपके कस्टमर को वो प्रोडक्ट डिलीवरी करवा देंगे। अब देखा जाए तो ये 250 रुपए कमाने के लिए ना आपने 1 रुपए का सामान खरीद कर रखा, ना आपने कोई स्टाफ रखा, ना आपने कोई दुकान खोली, ना आपको कहीं आना जाना पड़ा, सिर्फ एक ट्रांजेक्शन करके आपने 250 रुपए कमा लिए। अब देखिए, हम आपको एक बिजनेस तो दे ही रहे हैं लेकिन इसके साथ में मार्केटिंग ऑनलाइन किस तरीके से होती है, किस तरीके से सोशल मीडिया पे पोस्ट किए जाते हैं, किस तरीके से एड चलाए जाते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें हम इसके अंदर आपको सिखा भी रहे हैं। अगर आप सिर्फ ये लर्निंग कोर्स करोगे जिसके अंदर आप ये सारी चीजें खुद सीखो तो भी आपको कई 1000 रुपए खर्च करने के बाद में भी उतना डिटेल में आपको सीखने नहीं मिलेगा जितना इस बिजनेस के अंदर हम आपको सिखा भी रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो ये आपके लिए सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं, एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी है। चलिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लाइव दिखा देता हूँ कि किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से वेबसाइट बनेगी, किस तरीके से इसके अंदर आपका प्रॉफिट मार्जिन ऐड होगा। तो देखिए, मैंने आपके सामने एक ये वेबसाइट ओपन करी है जिसका नाम है मैन्युफैक्चरर बॉक्स।
और एक दूसरी वेबसाइट मैंने ओपन करी है जिसका नाम है verynice.in। अब हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए एक वेबसाइट बना करके दे रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसे मेरे पास में एक प्रोडक्ट अवेलेबल है, ये साड़ी की कैटेगरी के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ, 449 में अवेलेबल है। अब मान लीजिए तो मेरी वेबसाइट है, मैंने आपके नाम से एक वेबसाइट बनाई, ये जैसे वेरी नाइस है उसी तरीके से आप जो नाम बोलेंगे उस नाम से आपकी एक पर्सनल वेबसाइट बनाई जाएगी। अब इसके अंदर भी मैं साड़ी की कैटेगरी में आ रहा हूँ। अब जो साड़ी मेरे पास में 449 में अवेलेबल थी, इसके अंदर मैंने आपका 50% मार्जिन, मतलब 449 के ऊपर 50% अगर आप ऐड करें तो 674 आ रहा राउंड फिगर, 50% मार्जिन ऐड करके मैंने 674 में लाइव कर दिया। अब आपका कोई कस्टमर जब इसको शॉपिंग करेगा तो इसके अंदर आपको 273 जो भी अमाउंट हमें देखा प्रॉफिट का, वो आपको प्रॉफिट मिलेगा। कस्टमर आपकी वेबसाइट से बहुत ही आसानी से प्रोडक्ट खरीद सकता है। जैसे मैं एक बार ये आपको दिखा देता हूँ, अगर मान लो कस्टमर कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो वो इसके ऊपर क्लिक करेगा, यहाँ पे वो आकर के ऐड टू कार्ट करेगा, प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो गया है, कंटिन्यू पे क्लिक करेगा। अब चाहे तो कस्टमर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉग इन विद ओटीपी करके प्रोसीड कर सकता है, या फिर वो ईमेल आईडी से भी कंटिन्यू कर सकता है। एक बार मैं यहाँ पे ईमेल के थ्रू कर रहा हूँ, अगर वो ईमेल के थ्रू कर रहा है तो फर्स्ट टाइम उसको साइन अप करना पड़ेगा, फिर लॉग इन करना पड़ेगा। अगर वो बिना ईमेल के मोबाइल से कर रहा है तो डायरेक्टली यहाँ से मोबाइल नंबर डाल के कर सकता है। मैंने एक बार यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक किया। अब अगर कस्टमर पहली बार शॉपिंग कर रहा है तो उसके सामने इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि वो अपना नाम, एड्रेस, शिपिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है, फोन नंबर, एड्रेस, वो सब डाल करके इसको सेव कर देगा। और अगर कस्टमर पहले खरीद चुका है तो उसके सामने एड्रेस की लिस्ट आएगी, उसमें उसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप कुछ कूपन कोड उसको देना चाहते हो डिस्काउंट के तौर पे, तो वो यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करके डिस्काउंट ले सकता है। यहाँ पे उसको पेमेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे और लास्ट में यहाँ पे कस्टमर डायरेक्टली इसको प्रोसीड करके ऑर्डर प्लेस कर देगा। तो इतनी आसानी से आपकी वेबसाइट में कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट खरीद सकता है। वेबसाइट के अंदर हम एक ऐसा ऑप्शन भी दे रहे हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट कस्टमर खरीद रहा है और उसको अगर वो अच्छा लग रहा है तो वो आपकी वेबसाइट को रेफर करके पैसा भी कमा सकता है। मतलब आपका एक कस्टमर आपके लिए और कस्टमर्स भी लेकर आ सकता है, बस उसके बदले में आपको उसको कुछ छोटा सा कमीशन देना। कितना कमीशन देना है ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि हर प्रोडक्ट में आप उसको कितना परसेंटेज ऑफ कमीशन देना चाहते हैं। लेकिन इससे बेनिफिट क्या मिला कि आपके कस्टमर ही आपके लिए और कस्टमर ला रहे हैं, मतलब कम खर्चे में आप ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच के ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये काम करेगा। तो देखिए बड़ा सिंपल है, जो भी कस्टमर आपकी वेबसाइट पे प्रोडक्ट खरीद रहा है और फिर वो पैसा कमाना चाहता है तो वो यहाँ पे अफिलिएट ऑप्शन पे क्लिक करेगा। यहाँ पे वन टाइम उसको एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि वो आपका अफिलिएट पार्टनर बन रहा है, तो अपनी यहाँ पे डिटेल सबमिट करेगा। डिटेल सबमिट हो जाने के बाद वो यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक करके साइन इन पे क्लिक करके साइन इन कर लेगा। उसके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा, यहाँ पे उसका एक अफिलिएट कोड अवेलेबल है, मतलब जितने भी लोग आपकी वेबसाइट में एज अफिलिएट पार्टनर बनेंगे, आपके लिए और कस्टमर लेकर आएंगे, उनका सभी का एक यूनिक कोड बनेगा। यहाँ पर पता चल रहा है कि आप उसको 10% कमीशन दे रहे हो और उसके लिंक से अगर ऑर्डर किया जा रहा है तो 15 दिन के अंदर ऑर्डर हुआ है तो आप उसको कमीशन दोगे, वरना नहीं दोगे। अब अगर कोई आपकी वेबसाइट को प्रमोट करना चाह रहा है तो यहाँ पे शेयर प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा। यहाँ पर वो कॉपी लिंक कर सकता है या फिर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को भी शेयर कर सकता है। मान लो वो इस प्रोडक्ट को कॉपी करता है और इसके लिंक को वो शेयर करता है। अब आप देखोगे कि इस लिंक के साथ में एक उसका अफिलिएट कोड आ गया। इससे इस सिस्टम को, इस टेक्नोलॉजी को ये पता चल गया कि कौन है जो आपकी वेबसाइट को रेफर कर रहा है, जिसको कमीशन देना है अगर कोई कस्टमर इस पे ऑर्डर करे। तो मान लो इस कस्टमर ने आपके वेबसाइट में पार्टनर बनने के बाद में, अफिलिएट पार्टनर बनने के बाद में, उस लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम कहीं पर भी शेयर किया और लोगों ने उस लिंक को ओपन किया। अब कोई भी कस्टमर जब उसको ओपन करेगा तो वो इस वेबसाइट से शॉपिंग कर सकेगा। अब जरूरी नहीं है कि जो कस्टमर इस वेबसाइट को ओपन कर रहा है उस लिंक की मदद से वो इसी प्रोडक्ट को खरीदे, वो चाहे तो कोई भी और दूसरा प्रोडक्ट खरीद सकता है। कस्टमर चाहे कोई भी प्रोडक्ट खरीदे लेकिन उस अफिलिएट पार्टनर को जिसकी मदद से ये लिंक शेयर किया गया था उसको आप कुछ प्रॉफिट का हिस्सा दोगे। लेकिन इससे बेनिफिट ये मिल रहा है कि एक ही कस्टमर आपके लिए और हजारों कस्टमर ला सकता है। अगर 100 कस्टमर 100-100 कस्टमर लाते हैं तो 10,000 लोगों तक आपकी वेबसाइट पहुंच गई और 10,000 प्रोडक्ट आपने बेच दिए। तो इस तरीके से मार्केटिंग करना और भी आसान हो जाता है। तो देखा आपने कितना आसानी से आपका एक कस्टमर आपके लिए और कस्टमर लेकर आ सकता है। इससे आपके बिजनेस के अंदर ग्रोथ जो होगी बहुत तेजी से हो सकेगी। अब कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी कंपनी तो सूरत के कपड़ों के प्रोडक्ट दे ही रही है, लेकिन अगर उनके पास में कोई दूसरे प्रोडक्ट अवेलेबल है तो क्या उसे अपलोड कर सकते हैं? हमारे पास में उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है कि आप अगर कोई और प्रोडक्ट कहीं और से लेकर के बेचना चाहते हो तो वो भी बेच सकते हो, उसका भी प्लान अवेलेबल है। अब देखिए दोस्तों, ये जितनी सारी चीजें हमने बताई है आपको कि हम आपको एक वेबसाइट दे रहे हैं, पूरी
बना करके उसके अंदर प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग कर रहे हैं और जो भी प्रोडक्ट के ऑर्डर आ रहे हैं उसको कस्टमर तक डिलीवरी करवा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग कर ही रहे हैं। ये सब चीज़ें अगर प्रोडक्ट तो जाने दो, अगर आप कहीं से कोई वेबसाइट भी बनाने का सोचोगे तो जिस तरह की वेबसाइट हम आपको दे रहे हैं ये आपको कोई 50-60 हज़ार या 1-2 लाख रुपए के अंदर भी शायद ही कोई प्रोवाइड करे। और प्रोडक्ट के साथ में तो किसी के लिए भी देना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोई भी आईटी कंपनी या कोई वेबसाइट डिजाइन करने वाला आपको प्रोडक्ट नहीं दे सकता। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से आप इस बिजनेस को घर बैठकर कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। अब अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये बिजनेस नॉर्मली हम लोग 14,000 रुपए में प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अभी हम लोग एक ऑफर चला रहे हैं। ऑफर के अंदर हम इसको काफी अच्छा खासा डिस्काउंट में आपको ये बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप ये करना चाहते हो तो लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, अभी आप हमसे इंक्वायरी कर लीजिए कि आज के समय में ये कितने रुपए में अवेलेबल हो पा रहा है। इसके अंदर मैंने लगभग सारी चीजें आपको बता दी कि किस तरीके से बिजनेस काम करेगा। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई सवाल हो तो स्क्रीन के ऊपर हमारे कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए हुए हैं, आप उसके थ्रू भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। लेकिन लिमिटेड ऑफर है, जल्दी से जल्दी इस बिजनेस को शुरू करिए ताकि आप भी घर बैठे एक अच्छा बिजनेस कर सको और साथ ही अपने लोगों को भी हेल्प कर सको कि वो भी घर बैठे पैसा कमा सके। जय श्री कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद।